नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाहजहांपुर की रहने वाली एक बूढ़ी मां ने अपने तमाम सपनों के साथ इंजीनियर बेटे को सऊदी अरब भेजा था, लेकिन उसकी मौत की खबर ने मां के कलेजे को टुकड़े टुकड़े कर दिए। बता दें कि बेटे का शव सऊदी अरब में पिछले 7 महीने से रखा हुआ है। कागजी कार्रवाई न होने की वजह से बूढ़ी मां की आंखें पथरा गई है, जिसके बाद अब परिजन प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से सबको भारत लाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस भी लगातार विदेश मंत्रालय से परिवार की मदद की मांग कर रही है। सरकार हमारी मदद करेगी, हमारा लड़का आ जाए हम कुछ करके देखेंगे, और हमारी हम सोचते हैं कि हमारी मदद करेगी सरकार। तो कैसे टीस उठती है जब ये हमारा बहुत दिल परेशान होता है, बहुत ही होता है, पता नहीं नींद तक नहीं आती। सरकार से क्या कहना है? सरकार से ये कहना है मदद करें। कोरोना काल में जो है, और 30 अगस्त 2021 को यहाँ से गए थे, तो हमारी माँ ने कहा कि बेटा मत जाओ, और उसका नाम क्या यहीं पे कुछ देखो, तो कहने लगे कि एक बार और अम्मी हमें जाने दो, उसके बाद हम नहीं कभी जाएंगे और यहीं पे अपने भाइयों के साथ मिल के काम करेंगे। और हम उस सरकार से, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से ये दरख्वास्त करते हैं और ये उनसे अपील करते हैं कि हमारे भाई मोहम्मद आलम का जो जद्दा में आभा जो वहाँ पे पड़ता है किंगडम, उसमें इंतकाल हो गया, उसको वहाँ से मिट्टी हमारी लाने में सहायता करें। और एक गरीब परिवार की आरज़ू हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही है कि वो इस मिट्टी में लाने का हमारा पूरा प्रयास करेंगे और हम गरीबों के साथ जो है हमेशा वो खड़े हैं, खड़े रहते हैं। ये जैसा आप जानते हैं कि मृतक आलम नाम था इसका, इसकी मृत्यु जद्दा में हुई करीब 8 माह पहले, और जो उनके प्रोसीजर हैं बॉडी हैंडओवर करने के वो चल रहे हैं। चूँकि बहुत समय हो गया तो हम लोग को उन्होंने अप्रोच किया, तो प्रशासन की ओर से भी उनको पत्र रिक्वेस्ट भेजा गया है कंसुलेट को जद्दा के एम्बेसी के थ्रू, और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उसको फैसिलिटेट करा जाए। ये चाह रहे हैं कि चूँकि बहुत लंबा अरसा हो गया से बॉडी वहाँ है, तो उसको वहीं पे अगर यहाँ हैंडओवर करने में और समय लग रहा है, विलम्ब हो रहा है, तो वहीं उसको अंतिम संस्कार उसका वहीं कर दिया जाए। चूँकि एक बॉडी की भी एक वो होती है, रिगार्ड रिस्पेक्ट होता है और एक डिग्निटी होती है, वहीं कुछ और उनके परिवारिक चाह रहे हैं कि उसको थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर यहाँ पे उनको हैंडओवर किया जाए। तो शाहजहांपुर से आपको एक खबर बता रहा है, जहां पर शाहजहांपुर के रहने वाली एक बूढ़ी मां ने अपने तमाम सपनों के साथ इंजीनियर बेटे को सऊदी अरब भेजा, लेकिन उसकी मौत की खबर ने मां के कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि शाहजहांपुर की रहने वाली जो एक बूढ़ी मां है अपने तमाम सपनों के साथ इंजीनियर बेटे को सऊदी अरब भेजा, लेकिन एक बुरी खबर वहां से सामने आई जहां पर सऊदी अरब से उसका जो बेटा है वो वापस नहीं लौट सका है। क्या कुछ पूरा अपडेट और जानकारी जो है मिल पा रही है धर्मेंद्र? धर्मेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो धर्मेंद्र को शायद आवाज नहीं मिल पा रही है मेरी, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि शाहजहांपुर की रहने वाली एक बूढ़ी मां ने अपने तमाम सपनों के साथ इंजीनियर बेटे को सऊदी अरब भेजा था, लेकिन उसकी मौत की खबर ने मां के कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बेटे का शव सऊदी अरब में पिछले 7 महीने से रखा हुआ है, और कागजी कार्रवाई ना होने की वजह से बूढ़ी मां की आंखें जो है वो भी काफी नम है। एक बार फिर से हम धर्मेंद्र कुमार से जुड़ने की कोशिश करेंगे। धर्मेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? मिल रही आवाज जी। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से जो खबर है वो सामने आ रही है कि शाहजहांपुर के रहने वाली जो एक बूढ़ी मां है अपने तमाम सपनों के साथ इंजीनियर बेटे को सबसे पहले सऊदी अरब भेजा, लेकिन एक बुरी खबर जो वहां से लौट के आई, उसके बेटे की मौत हो गई, और देखा जा रहा है कि पिछले 7 महीने से उसका जो शव है वो सऊदी अरब में ही रखा हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ पूरा अपडेट मिल पा रहा है धर्मेंद्र? जी सही बात है, 7 महीने से एक बूढ़ी माँ जो है आंखें उसकी तरस रही है अपने बेटे के लिए, जिसका शव सऊदी अरब में रखा हुआ है। सऊदी अरब से एक जो चिट्ठी आती है घर पे, बताया जाता है उसमें कि आपके बेटे का यहाँ पे मौत हो गई है और आपके बेटे का शव आप इंडिया मंगाएंगे या यहीं दफनाया जाएगा।
उसी दौरान उसकी माँ ने और भाई ने गुजारिश की और चिट्ठी में जवाब दिया कि मेरे बेटे का शव जो है इंडिया लाया जाए। जब भी अधिकारियों ने उसका प्रोसेस पूरा किया, इसी दौरान उसकी जो वाइफ है, वाइफ ने LIU में जाकर के एक चिट्ठी लिख करके दी, मेरे पति का जो शव है सऊदी अरब में ही संस्कार किया जाए। जी धर्मेंद्र, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो परिजन है वो लगातार संपर्क साध रहे हैं, लगातार पत्र भी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से शव को भारत लाने की, लगातार जो गुहारे हैं वो लगाई जा रही हैं, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लग रही है। वो गुहार लगा रही है कि मेरे बेटे का शव है जो इंडिया लाया जाए, लेकिन उसकी जो वाइफ है वो इस चीज से एग्री नहीं है, क्योंकि दो चिट्ठियां सऊदी अरब पहुंच चुकी हैं, उससे डिसाइड करेगी सऊदी अरब की सरकार की माँ को शव दिया जाए कि या उसकी पत्नी को शव दिया जाए। LIU और पुलिस पूरी कोशिश में लगी हुई है, कोशिश कर रही है कि उसका शव जो है इंडिया लाया जाए। जी जी बिल्कुल धर्मेंद्र, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं लगातार विदेश मंत्रालय से परिवार की जो मदद है उसकी मांग कर रही है कि जल्द से जल्द जो माँ है उनको भी न्याय मिल सके और शव को वापस लाया जा सके। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो जो चल रहा है वहां पर वो कुछ अलग ही चल रहा है, लगातार प्रयास में हालांकि जुटे हुए हैं जितने भी प्रशासन है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या कुछ अपडेट निकल के आया है, क्योंकि एक लंबा वक्त हो चुका है, 7 महीने का समय जो है वो भी बीत चुका है हालांकि, और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी यहां पर उठता है धर्मेंद्र कि क्या कुछ अपडेट जो है वो निकल के आ रहा है, क्या किसी तरह का आश्वासन जो है वो अभी तक मिल पाया है धर्मेंद्र? अभी भी बूढ़ी माँ जो है पुलिस के पास पेश हुई और LIU में गई है, उसे वहाँ पे ये गुहार लगाई कि मेरे बेटे का जो शव है वो इंडिया ही लाया जाए ताकि मैं उसका अंतिम संस्कार में अपने दर्शन कर सकूँ, बेटे के दर्शन कर सकूँ, बेटे से मिल सकूँ। और उसकी जो पत्नी है इस बात पे एग्री नहीं हो रही है कि उसका शव जो है यहाँ पर लाया जाए उसके पति का, उसने भी चिट्ठी लिखी है और उसकी माँ की तरफ से भाई की तरफ से भी चिट्ठी गई है कि मेरे बेटे का शव लाया जाए, लेकिन पत्नी इस बात पे एग्री नहीं हो रही है कि उसके पति का शव जो है इंडिया लाया जाए। इसीलिए जो है सऊदी अरब की सरकार ये तय करेगी दोनों चिट्ठियों पर शव किसको दिया जाए, बात अपनाया जाए या इंडिया भेजा जाए। जी धर्मेंद्र, लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो पत्नी है मृतक की वो ये नहीं चाह रही है कि शव को भारत लेकर आया जाए, लेकिन जो बूढ़ी माँ है, जो भाई है, वो लगातार प्रशासन से, भारत सरकार से गुहार लगा रहे लगातार, लेकिन इसके पीछे की क्या जो कारण है वो अभी तक स्पष्ट हो पाया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है आपको धर्मेंद्र? पत्नी किसी से संपर्क नहीं साध रही, कैमरे पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है, पत्नी से भी संपर्क साधने की हमने कोशिश की, पत्नी से जानकारी लेने की कोशिश की, ऐसा क्या है कि जो पति का शव जो है इंडिया ना लाया जाए उससे जानने की कोशिश की, लेकिन अभी इस तरीके की कोई बात बताने को पत्नी तैयार नहीं, कैमरे पे बोलने को भी तैयार नहीं है, किसी भी तरीके से कोई जवाब नहीं दे रही। जी लेकिन धर्मेंद्र आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आखिर ये जो घटना है वो कैसे घटित हुई है, इंजीनियर बेटे को जिस तरीके से सऊदी अरब भेजा गया, किस कारण से मृत्यु जो है वो हुई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है आपको धर्मेंद्र? इससे पहले भी वो जा चुके हैं, अब भी गए थे घर पे अपनी माँ से कह के कि अंतिम बार जा रहे हैं, इसके बाद जब आएंगे वहां से तो यहीं सेटल हो जाएंगे, यहीं अपना बिजनेस करेंगे। इससे पहले भी जा चुके हैं, यहाँ से गए उसके एक महीने के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन घर वालों को एक महीने बाद सूचना मिली, उसके बाद कागजी कार्रवाई में ये बॉडी जो है उलझी हुई है वहां। जी धर्मेंद्र, ये भी जानना चाहूंगी कि क्या सऊदी अरब से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने निकल के आया, क्योंकि लगातार भारत सरकार भी संपर्क में है, ऐसी खबरें जो है वो लगातार सामने निकल के आ रही है, लेकिन बड़ी बात ये भी है क्या सऊदी अरब की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट आया है, क्योंकि एक बड़ी खबर है, एक मां जिस तरीके से लगातार गुहार लगा रही है, भारत सरकार से लगातार पत्र दे रही है वो, और ये कहा जा रहा है कि जो उसके बेटे का शव है वो वापस भारत लेकर आए, वतन लेकर आए, लेकिन सऊदी अरब भी जिस तरीके से ये भी दुविधा में है कि किसको ये दिया जाए शव, क्योंकि पत्नी जिस तरीके से कह रही है कि भारत ना लेकर आया जाए, दूसरी तरफ माँ और भाई ये गुहार लगा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर जानना चाहूंगी कि क्या सऊदी अरब से अभी तक कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने निकल के आया है? माँ और भाई दूतावास से संपर्क साध रहे हैं कि वहाँ से क्या आदेश दिए गए, किस तरीके की वहाँ से सूचना है, अभी तक कोई सूचना इस प्रकार की मिली नहीं है, लेकिन बूढ़ी माँ की आंखें तो अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही हैं। बूढ़ी माँ ये चाह रही है कि मेरे बेटे के अंतिम दर्शन मुझे हो जाएं, वो दौड़ रही है, पुलिस के पास भी जा रही है, पुलिस भी मदद कर रही है, दूतावास भी जा रही है और गुहार भी सरकार से लगा रही है और कह रही है कि मेरे बेटे का शव एक बार यहाँ आ जाए तो मैं अंतिम दर्शन कर सकूं। अभी कोई जवाब सऊदी अरब से नहीं मिला है। जी ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो शाहजहांपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शाहजहांपुर की रहने वाली एक बूढ़ी माँ ने
अपने तमाम सपनों के साथ इंजीनियर बेटे को सऊदी अरब भेजा था, लेकिन उसकी मौत की खबर ने मां के कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। क्योंकि बेटे का शव सऊदी अरब में पिछले 7 महीने से रखा हुआ है, कागजी कार्रवाई ना होने की वजह से बूढ़ी मां की आंखें जो है वो काफी नम नजर आ रही हैं, जिसके बाद अब परिजन जो है वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से शव को भारत लाने के लिए लगातार मदद की गुहार जो है वो लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस भी लगातार विदेश मंत्रालय से परिवार की मदद की मांग जो है वो भी करती नजर आ रही है।